Now, let's see some MCQ pertaining to centroid. We have seen in our live class that formula of centroid G to find out x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. Now try to understand the question. Coordinate of centroid of the triangle with vertices 2, 3, 4, 7 and minus 3, 2 are dashed. मतलब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट सेंट्रोइड, सेंट्रोइड फाइंड करना है. तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री. तो पहला वर्टेक्स टू एक्स वन फोर एक्स टू एंड एक्स थ्री में माइनस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, फोर प्लस टू सिक्स माइनस थ्री थ्री बाई थ्री डेट इज वन. दूसरा फॉर्मूला ये है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, 3 प्लस 7 प्लस 2, 7 एंड 3 10 एंड 12 बाई 3, तो आपका आंसर आ गया 1.4. सिमिलरली टू वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल, टू वर्टाइसिस ओनली गिवन, दैट इज a एंड b गिवन, 3.1 एंड 1.5, ओनली टू वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल गिवन एंड सेंट्रोइड इज गिवन. सेंट्रोइड के आपको अपेरेंटली कोई वर्टेक्स दिखते नहीं है, बट है, इट इज ओरिजिन. सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल इज ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0.0. देन थर्ड वर्टेक्स आपका सी कौन सा है, आपके पास सेंट्रोइड की फॉर्मूला है एक्स कॉमा वाई, है सेंट्रोइड की फॉर्मूला बन गई है एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वॉट, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री. अब आपके पास सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या, 0.0. सो व्हाट वी ट्राई टू डू, 3 प्लस 1 और तीसरा एक्स नहीं, सी नहीं है तो इसका लेंगे एक्स वन है, एक्स टू है बट थर्ड नहीं है तो एक्स थ्री, और वाई वन है वाई टू है बट वाई थ्री नहीं है तो वो रख दिया, आमने सामने रख दिया फॉर्मूला की तरह, एक्स वन एक्स टू आर देयर, एक्स थ्री इज नॉट देयर, y1, y2 are there, y3 is not there. When we match, right, आमने सामने कर दिया, तो 0 equal to 3 plus 1, 4 plus x by 3 upon 3 and 0 equal to 5 plus 1, 6 plus y by 3, 6 plus y3 upon 3. 3 into 0, 0, x3 plus 4 equal to 0, मतलब x3 आपका आया minus 4 और y3 plus 6 equal to 0, तो y3 आपका आया माइनस सिक्स. दस आओ थर्ड वर्टेक्स जिसको अगर आप सी मान लो तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए माइनस फोर कॉमा माइनस सिक्स. थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ बोथ द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल विथ वर्टाइसिस, राइट, बोथ द कोऑर्डिनेट आर इक्वल, मतलब के एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री ये एक कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड के और ये एक कोऑर्डिनेट वो इक्वल है, जबकि वर्टेक्स दी है ट्राइंगल के ए a कॉमा टू बी टू कॉमा माइनस ए एंड सी 0.2, पर अगर दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड के इक्वल हो गए तो आपको फाइंड करना है अननोन नंबर a. तो x1 कौन, तो के a, राइट, x2 कौन, तो के 2 और x3 कौन, तो के 0, तीनों का समेशन किया अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस a प्लस 2 अपॉन 3, आमने सामने रख दिया, बिकॉज लाइक बोथ द कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल है. अब नीचे 3, 3 कैंसल, ए प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 2 4 माइनस ए, राइट, ए को इस तरफ ले जाओ तो माइनस ए बिकम प्लस ए, तो ए प्लस ए बिकम्स 2a, एंड 2 को उस तरफ ले जाओ तो 4 माइनस 2 बिकम्स 2, 2a इक्वल टू 2, हेंस आंसर a इक्वल टू 1. Now, one more kind of sum. End point of a circle. So, end points of diameter of a circle are 2.4 and 2.6. We have to find out radius. Radius find करने के लिए पहले जो center है O, right? उसके coordinate find करने पड़ेंगे. तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB हुआ, AO इक्वल टू OB, मतलब AO रेडियस है या तो OB रेडियस है. अब O के सेंटर कैसे फाइंड करें,
तो के मिड पॉइंट की फॉर्मूला से एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, टू प्लस टू बाई टू दैट इज टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू दैट इज फोर प्लस सिक्स बाई टू टेन बाई टू दैट इज फाइव, मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ जी ओ इज टू कॉमा फाइव. नाउ इफ यू फाइंड एओ और ओबी, दो में से कोई भी एक ही फाइंड करो, इधर यू मेजर एओ और ओबी बाई विच फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट विल गिव यू रेडियस. सो एओ स्क्वेयर दैट इज टू माइनस टू द होल स्क्वेयर प्लस फोर माइनस फाइव द होल स्क्वेयर, टू माइनस टू जीरो स्क्वेयर प्लस माइनस वन स्क्वेयर दैट इज वन, और स्क्वेयर रूट ऑफ वन इज ऑल्सो वन. यू कैन चेक ओबी एज वेल, टू कॉमा टू जीरो and 5 minus 6 minus 1 whole square that is 1. So in both the case you are getting the same answer. Now if AB is a diameter of circle, center P, R, A 4, 0, minus 2, 2, then coordinate of P. Coordinate of P, again P is the center of a circle and AB is a diameter. Means again a midpoint formula. X1 plus X2 by 2, Y1 plus Y2 by 2. 4 minus 2 by 2, that is 2 by 2, that is 1. And 0 plus 2 by 2, that is 2 by 2, again, it is 1. So, what is the coordinate of center P? 1, 1. Now, this is very important one. If one of the end point of the circle, देखो, जरूरी नहीं है कि diameter का center origin ही हो, right? One of the end point of the circle is 0, 0. And center of the circle is minus 2, 4. You have to find out the other end point of the diameter that is A. Let other end point be A. आपको चाहे तो B भी choose कर सकते हो, right? Coordinate of O, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. मतलब minus 2 by 4 है O के coordinate, right? तो x1 मतलब के x, x2 मतलब के 0. x plus 0 by 2 equal to इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट माइनस टू, y1 plus y2 by 2 that is y plus 0 by 2 इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 4. Now very simple, x equal to minus 4 and y equal to 8. So these are very good sums, some very good sums. One of the end point of a circle having center origin 0, 0 and one vertex is A, 3, minus 2. Then the other end point we have to find out. O is the center having coordinate 0, 0. Ab 0, 0 hai. So, hum log wapis midpoint ki formula lagayenge. X1 plus X2 by 2, Y1 plus Y2 by 2. But jab bhi aapka center, ya to right, midpoint, origin diya ho, 0, 0 diya ho, to dusre ka coordinate kafi easily find kar sakte hai. 3 plus x by 2 equal to 0, right? मतलब के 3 plus x equal to 0, तो x का coordinate आया minus 3, और अगर similarly आप देखेंगे, minus 2 plus y by 2 equal to 0, तो minus 2 plus y equal to 0, मतलब y equal to 2. अगर आप a और b का coordinate check करो, a है 3, minus 2, तो b है minus 3, 2. मतलब के जब भी आपका एक चीज, एक की मिलेगी, when your center is origin, और एक कोऑर्डिनेट दिया है, तो दूसरे को आप लोगों को क्या कर देना है, स्वैप कर देना है, राइट, स्वैप कर दो, मतलब कि 3 है तो माइनस 3, माइनस 2 है तो 2. बट अगेन आई रिपीट, कब ऐसा होगा, जब आपका सेंटर राइट ओरिजिन होगा तभी. अब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम्स इन दिस रिगार्ड, देखो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी माइनस 3, 2 टू वाई एक्सिस इज एम. पहले आप लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ एम, तो यहां देखो फ्रॉम द फिगर, अगर ये माइनस थ्री है और ये टू है, पहले तो हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, बराबर ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ी होती है. तो यहां से प्लॉट कर लिया माइनस थ्री बाई टू, और अब यहां से कौन से एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो के वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर लिया आपने, तो आप लोग देखो यहां से राइट वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर लिया, तो आपका राइट ये जो m यहां पे है, तो m का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एज इट इज लाइंग ऑन y एक्सिस, इसका x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2. मोर एंड मोर सम यू विल सी, आपको पता चलेगा. अब दूसरा क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, व्हाट इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, तो देखो यहां से ये डिस्टेंस आपको गिनना है,
1, 2, and 3. But negative distance can never be negative, hence your answer is 3. ऐसे मैं दूसरे और सारे सम्स दूंगा आपको. दूसरा देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर साइन है, फ्रॉम पी 5, -1, राइट, सॉरी पी 5, -1 फ्रॉम द टू एक्स एक्सिस. आपको कोऑर्डिनेट चाहिए एम के. आपने प्लॉट किया 5, -1, बराबर. तो यहां पे एम आया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी से एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे कहां पे आया एम, तो के 5 पे, मतलब के एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 5 है, तो उसका वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0. अगर सेम कोऑर्डिनेट पूछे तो ये, बट डिस्टेंस पूछे, ये डिस्टेंस पूछे तो आपको देखने का, ये 1 ही डिस्टेंस है, राइट. डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, मतलब के 1. एक चीज का खास ख्याल रखें, डिस्टेंस जब भी पूछे एक्स एक्सिस हो तो आपको राइट वो वाई का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव याद रखने का, राइट. वाई एक्सिस पे हो तो एक्स का पॉजिटिव याद रखने का, 3 है तो -3 है तो 3, -1 है तो 1, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, राइट. दसाओ ऐसे दूसरे सम्स देखते हैं. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6, 2 फ्रॉम एक्स एक्सिस. तो अगर कोऑर्डिनेट पूछा है एम का, यहाँ पे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही पूछा है, क्वेश्चन तो ये है, और एक एडिशनल क्वेश्चन, इफ एम इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, तो उसका एक्स एक्सिस का जो भी है वो 6, और वाई का कोऑर्डिनेट, तो हमेशा जो पॉइंट विच आर लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, इसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है. अगर परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट पूछे तो 6, 0, और डिस्टेंस पूछे तो आगे के भी मैंने सब में आपको बताया, डिस्टेंस आपको ये लेना है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये हुआ, ये डिस्टेंस कहां से है, 0, 1, 2, मतलब के 2 डिस्टेंस है, पॉजिटिव हो के नेगेटिव हो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव. वैसा एक और सम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, 8 फ्रॉम वाई एक्सिस. अब वाई एक्सिस से देखो, पहले तो इसको प्लॉट करो, -3, 8, ये प्लॉट हो गया बराबर. अब ये प्लॉट हो गया वाई एक्सिस, इसका कोऑर्डिनेट दिन रहेंगे तो वो एक्स y एक्सिस पे है, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 0, 8. पर डिस्टेंस पूछे तो ये डिस्टेंस हुआ y एक्सिस से, ये डिस्टेंस हुआ मतलब कितना, 0 to 3, मतलब के ऑलवेज पॉजिटिव थे. अब एक नॉमिनल सम है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम -3, 4, 2, 5. तो लेते हैं x एक्सिस पे एक पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट x लेते हैं और y कोऑर्डिनेट 0 लेते हैं, क्योंकि जो पॉइंट विच आर लाइंग ऑन एक्स एक्सिस ऑलवेज उसका वाई कोऑर्डिनेट 0. इक्विडिस्टेंस है मतलब के PA इक्वल टू PB, मतलब के PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, फिर x प्लस 3 द होल स्क्वायर, 0 - 4 द होल स्क्वायर, x माइनस 2 द होल स्क्वायर, 0 - 5 द होल स्क्वायर, बराबर. सिंप्लीफाई करो, x स्क्वायर प्लस 3 × 2 = 6x प्लस 9 + 16, x स्क्वायर माइनस 4x + 4, 25. ये 25 और ये 25 हो गया, 6x + 4x = 10x = 4. तो आपका आंसर आया x = 2/5, राइट. 2/5 मतलब के राइट 1 से भी कम हुआ, सो दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. लास्टली कुछ सम्स देख लेते हैं. इफ द पॉइंट्स k, 2k, 3k, and 3, 1 दे आर द कोलिनियर पॉइंट्स, वी हैव टू फाइंड आउट के. इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर मीन्स एरिया क्या हो गया, 0. एरिया की फॉर्मूला रखा, हाफ इंटू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री, एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन, और एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई थ्री इक्वल टू 0. फॉर्मूला में एक्सपांड किया, ये हाफ तो उधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा. 3k² - k + 3k - 6k² 3 × 6k माइनस 9 के, यहाँ पे भी आप लोग माइनस 3 के डायरेक्ट लिख सकते थे, बट 6 के एंड 3 के 9 के साथ कैंसल, मतलब -3k² - k = 0. माइनस k कॉमन निकाल दिया तो 3k + 1 = 0. k की वैल्यू आई 0, या तो 3k + 1 = 0, मतलब k की वैल्यू आई -1/3. अगर एमसीक्यू है, दोनों ऑप्शन नहीं है, कोई भी एक ऑप्शन होगा तो वही आंसर आएगा. अब देखो एक और सेंट्रोइड का, सेंट्रोइड आपका k, -1 है, और बाकी ट्राइंगल के वर्टाइसिस 3, -5, -7, 4, 10, -3.
वेरी सिंपल फॉर्मूला वंस अगेन एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय थ्री कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाय थ्री मैच करो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के साथ सेंट्रोइड के। 3 - 7 + 10 upon 3 = k x with x - 5 + 4 - k upon 3 = -1 राइट मैच करेंगे 6 upon 3 = k मतलब के k 2 आया। यहां पे भी आप कुछ भी करो आंसर k का क्या आएगा 2 ही आएगा। एंड लास्ट के दो क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। ABC इज अ राइट एंगल एट बी, बी 90 है मतलब, और कोऑर्डिनेट दिया है 4, 1, 4, 4 और 1, 4 बराबर। तो अगर कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर पूछेंगे, ऑर्थो सेंटर हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल का है वही कोऑर्डिनेट ऑर्थो सेंटर का होगा। आई रिपीट, जो राइट एंगल का कोऑर्डिनेट है, राइट एंगल कहां पे है, बी पे, तो आपका कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर वहां पे ही आएगा। और कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर ऑलवेज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटिनियस है। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटिनियस है मतलब के यह हाइपोटिनियस आपका एसी हुआ एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू फोर प्लस वन बाई टू कॉमा वन प्लस फोर बाई टू दोनों के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 5 / 5/2 / 5/2। दस आओ यहां पे कुछ मैंने ट्राई किया है अच्छे अच्छे सॉन्ग्स करने की। नेक्स्ट टाइम दूसरा वीडियो देखते रहना।